देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज लगाना, इसमें उनको किस बात का षड्यंत्र समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता। हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर जो भी देश अपने आज़ादी के इतिहास को नहीं जानता या आज़ादी के इतिहास का सम्मान नहीं करता, वो देश हमेशा गुलामी के मार्ग पर खड़ा रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो राष्ट्रीय ध्वज घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान निश्चित किया है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारा जो देश है वो देश राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो, राष्ट्रीयता और आज़ादी को देश का हर नागरिक समझे। ये आज़ादी हमें कैसे मिली, इस इतिहास को हम जानें, और इसलिए आज़ादी के 75वें वर्ष पर हम लोगों ने अमृत महोत्सव के रूप में देश के इतिहास को देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भारत के लोगों के लिए आज हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो सिख समाज के लोग थे, अब वो अफगानिस्तान छोड़कर भारत आ रहे हैं और अफगानिस्तान में वो सुरक्षित नहीं है। तो जो हमारा राष्ट्र है वो राष्ट्र मजबूत होगा तभी हम सब सुरक्षित। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।